जम्मू कश्मीर में पैलेट गन लेकर आई और जिसकी वजह से कई युवा अपनी आंखों से महरूम हो गए। ये बातें एडवोकेट ओवैस खान ने शोपिया में एक पार्टी सम्मेलन के दौरान कही। एडवोकेट ओवैस खान शोपिया सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं। ये रीजनल पार्टीज थी, उन्होंने हमारे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाया था, बोला था ये बी टीम है, और वही रीज़न था कि हमारे सीधे साधे लोग उस टाइम उनके झांसे में आ गए थे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज तक अभी तक पूरा प्रूव हो गया कि एनसी कैसे तैयार है बीजेपी के साथ कोलिशन करने के लिए। ये आप सब लोगों को बखूबी पता होगा, क्योंकि जो ये कम टाइम रखा गया ये इन्हीं की चाल है। और आपने देखा होगा कि जेके से स्कैम जो हुआ था, क्लीन चिट अब्दुल्ला साहब को क्यों मिली, तो ये कश्मीरी लोग बेवकूफ़ नहीं है, ये सब जानते हैं। इंशाल्लाह इस बार पूरी मेहनत करेंगे, इस बार फिर से लोगों के पास जाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अपने यूथ पे, अपने लोगों पे, कि इंशाल्लाह वो मुझे देख के शोपियान में, और पर्टिकुलरली बुखारी साहब और लीडरशिप को देख के, हमारा मैनिफेस्टो देख के, इंशाल्लाह अब आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात अपनी पार्टी ने की। अब आप देख रहे हैं रिसेंटली 200 ही यूनिट रख रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं, हमने अगर 500 रखे हैं ये 200 ही रख रहे हैं। आप देख लीजिए बोलने में भी इनको तकलीफ है, ऐसी बात है कि इंशाल्लाह इस बार बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, मेहनत करेंगे। ये सेब नहीं है, ये शोपियान का ऑक्सीजन है, ये शोपियान के लोगों का दिल है, ये सेब नहीं है। और इस सेब के लिए हमें इंशाल्लाह केसीसी माफ़ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और उसके लिए हमारा पहला यही मंशूर रहेगा मैनिफेस्टो में, केसीसी वेवर। वैसी ही बात है कि हमें इंशाल्लाह एप्पल को जो है क्रॉप इंश्योरेंस में लाना पड़ेगा। ये वही कांग्रेस है जिसने एनसी के साथ मिलके आर्टिकल 370 को अंदर से ही ख़त्म किया। इंशाल्लाह ये मैंडेट यूथ को गया है, स्पोर्ट्स में हम काम करेंगे इंशाल्लाह, और सबसे अवलीन तर्ज पे केसीसी हमें माफ़ कराना है, चाहे उसके लिए हमें जेल भी जाना पड़े, जाएंगे।